अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं समीर रसोई घर, और आज ईद स्पेशल आपको बनाना सिखा रही हूँ नवाबी कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये कोरमा बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। नवाबी कोरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी मेरे पास चिकन है, 2 टेबल स्पून कोरमा मसाला है, सिरका है 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के, नमक है 1 टीस्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, 1/2 कप मिल्क है, दही जाएगी इसके अंदर, 2 जगह जाएगी, ग्रेवी में भी जाएगी और चिकन के अंदर भी जाएगी। तो ये मेरे पास 1 कप दही है टोटल, 2 मीडियम प्याज मैंने ले ली थी, उन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है। केवड़ा एसेंस है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून क्रीम या बलाई, जो दूध की जो ऊपर से बलाई उतरती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक जुलियन भी मैंने काट ली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 हरी मिर्चें हैं इसे भी मैंने जुलियन में काट लिया है, ये तीनों चीज़ें एंड पे जाएंगी। 4 से 5 बादाम हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं और 3 लौंगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवाबी कौरमे में हमें चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में हम डालेंगे सिरका, कौरमा मसाला, और जो दही मैंने ली थी, 1/2 दही मैं इसके अंदर डालूंगी और 1/2 दही जो है मैं ग्रेवी के अंदर डालूंगी। तो इट्स मीन 1/2 कप में दही इसके अंदर एड कर लिए, 1/2 कप मैं इसके अंदर डालूंगी और बाकी 1/2 ग्रेवी के अंदर डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कम से कम आप इसे 1/2 घंटा जो है वो छोड़ दीजिएगा मैरिनेशन के लिए, तो बहुत अच्छा है, वरना आप उसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 1/2 घंटा ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। जिसे मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट बनाना शुरू करते हैं। डेगची के अंदर ऑयल ले लिया है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी, तकरीबन 1/4 कप ऑयल है, आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे फ्राई करेंगे। ये भून चुका है अदरक लहसुन, इसके अंदर अब हम डाल देंगे चिकन हमने मैरिनेट की थी, वो डाल देंगे। चिकन डाल के हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। जी ये अच्छी तरह मसाला जो है चिकन डाल के हमने भून लिया था, अब इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, लौंग और छोटी इलायची, मिक्स करूंगी और 1-2 मिनट में इसे कुक करूंगी। आपको जो है चूरा कर लेना है, प्याज को हम ग्राइंड नहीं करेंगे वरना कोरमे का सही टेक्सचर नहीं आएगा, इसे हमने हाथ से ही चूरा करना है। ये देखिए प्याज कितनी अच्छी और क्रिस्पी हुई है, इसे अच्छे तरह हम हाथ से चूरा कर लेंगे। प्याज चूरा मैंने कर ली है, इसके अंदर जो बाकी बची हुई आधी 1/2 कप दही थी वो हम ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये जो प्याज और दही का मिक्सचर है वो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त मुकम्मल तौर पे गल ना जाए। पानी ऐड नहीं कर रही क्योंकि इसके अंदर जो दही डाली है उसका भी अपना पानी रिलीज होगा, तो हल्की आंच पर मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ, 10 मिनट कम से कम लगेंगे इसे। जी चिकन जो है वो गल चुका है, तो पहले चूल्हा हम हल्का कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम दूध, क्रीम मिक्स करेंगे, 1/4 कप जो है पानी डालकर इसे दम के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ 1-2 ड्रॉप्स, क्योंकि एसेंस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस 1-2 कतरे एसेंस के डालूंगी। जी 10 मिनट हो गए हैं, कोरमा हमारा तैयार है, एंड के ऊपर अब हम जो बाकी चीज़ें हैं वो डाल देंगे, हरी मिर्चें, अदरक, मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। तैयार है हमारा नवाबी कोरमा, इसे मैं सर्विंग डिश में निकालूंगी। इसे मैं डाल दूंगी इसके ऊपर बादाम चॉप करके, अगर आपको बादाम पसंद नहीं है तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं। तैयार है ज़बरदस्त नवाबी कोरमा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चीज़ पर।
अपने फीडबैक जरूर आगा कीजिएगा, मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।